कौन हो तुम? मैं माँ हूँ बेटी। माँ? नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। लती। डैडी। मेरे डैडी के तो बहुत बाल हैं। ये क्या है डॉक्टर? वो अपने माँ बाप को भी नहीं पहचान रही। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग इस हालत को एमनीजिया कहते हैं। सर में भारी चोट लगने से या गहरा दिमागी सदमा पहुंचने से कुछ लोग कभी कभी अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। जिस तरह बात कर रही है आपकी बेटी, लगता है इस वक्त वो 6 या 7 साल की उम्र में है। सिर्फ उस वक्त तक की याददाश्त बाकी है, उसके बाद जो कुछ भी हुआ भूल चुकी है। जब वो 6 साल की थी तब आप तो काफी जवान थे, शायद आपके सर पे काफी बाल हों। जी हाँ थे, और मैं दुबला भी था उस वक्त। देयर यू आर। उसे आपकी वही शक्ल सूरत याद है, इसीलिए तो अब आपको नहीं पहचान रही है। तो क्या अब ऐसी रहेगी मेरी बेटी? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, एक टेम्पररी हालत है।
हमेशा रहने वाली नहीं है। 100 में 95 केसेस की याददाश्त वापस आ जाती है। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। कब तक, कितना वक्त लगेगा डॉक्टर? वो कहा नहीं जा सकता। 4 दिन भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन एक बात है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट से जल्दी फायदा हो जाएगा। इसके लिए क्या किया जा सकता है डॉक्टर? मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर मेनन, बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं। अपनी बेटी को उनके पास ले जाइए। हो सकता है कुछ दिनों के लिए उसे नर्सिंग होम में रहना पड़े। एक्सराम का नाम सुना था, हरकुलिस का नाम सुना था, लेकिन ये सैमसन कहां से आ गई? आ गई नहीं, आ गया। सैमसन है ना स्कूल मास्टर, तू नहीं सुधरेगा। लेकिन ये सैमसन हम का नाम पहले कभी सुना नहीं। दोनों ही पहलवान थे। हाँ, अब धारा सिंह राम भी आएगी। पहलवान कोई भी हो लेकिन काम तगड़ी होनी चाहिए। ले, क्या बात करता है, तुझे सब नहीं लेता हूं मैं। लेना नहीं, पीना पड़ेगा, पी ले। कौन? मैं क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है? अरे 5 साल बाद मिले हैं, मेरा दिल रखने के लिए 2 घूंट नहीं ले सकता है? कौन लेना कौन? नहीं रे, मैं 3 गिनूंगा नहीं तो इसको छोड़ दूंगा। नहीं। 1, 2, 3 अरे रे, क्या कर रहा है? अरे थोड़ा सब्र करना चाहिए, इसमें सोडा डाल के पीते हैं। ये तो कर लिए यार, कैसे पीता तू? थोड़े एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, इसके लिए बड़ा रियाज करना पड़ता है। लेकिन तेरे बस की बात नहीं, ला दे। सॉरी। देखा, एक बूंद अंदर गई और कैसे इनकलाब जिंदाबाद करने लगी है ना। अच्छा, लीव ऑल दिस मैटर। ये बता, वहां पर कैसे कटती है? तू तो बिल्कुल गंदा। यू मीन तूने अभी तक कुछ नहीं किया? अरे लल्लू, क्यों? जरूरत नहीं पड़ी। क्या बोला? जरूरत नहीं पड़ी, फिर से बोल। इसलिए मत बोलना, ऐसा बोलना पाप है। अरे अपनी जवानी के जज्बातों को छिपाते नहीं, फिल्म की तरह फौरन रिलीज कर देते हैं। लेकिन तेरी तबीयत ठीक नहीं, तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूं। डॉक्टर? आंटी, कस्टमर। अगर कोई बीमारी लग गई तो? क्या बोला? बीमारी?
कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट ये सब चेक करके लाइसेंस देती है। यू मीन गवर्नमेंट ये सब भी चेक करती है? फिर लेकिन हेलो पेंटल बाबू, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। क्या बताऊं, एक तो महीने का आखिर और फिर ऊपर से दूसरे खर्चे। हाँ वो तो एक्सक्यूज मी। थोड़ी ज्यादा उम्र की नहीं लगती? थोड़ी तुम्हारा झांपड़। अरे ये मैडम है और मैं इतनी दूर तुझे इसके लिए लेके आता है? अरे असली माल तो अंदर है, अंदर। हाँ तो कहो मियाँ पेंटल, खैरियत तो है? बिल्कुल। ये छोटे मियाँ कौन है, नए लगते हैं? मेरा दोस्त है, हिल स्टेशन से आया, वहीं रहता है। ओ हिल स्टेशन, वहाँ तो बड़ी ठंड होगी। खैर गर्म होने के कुछ न कुछ तरीके लोग ढूंढ ही लेते हैं। बच्चों मेरे बच्चों, गुलाबी आजकल संगीत सीख रही है। गाना? हाँ बांसुरी। ओह गुलाबी अंदर जाओ। और छोटे मियाँ आपको क्या पेश करूं? चाय? छोटे मियाँ बड़े शर्मीले हैं, पहली बार जो यहाँ पर आया है, अनाड़ी है बेचारा। ओ तो उद्घाटन करने आए हैं, बड़े खुशनसीब हो मियाँ। आज ही एक नया टुकड़ा आया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल तुम्हारी तरह, खूब जमेगी। अरे वो रेशमी कहाँ है? यही तो है। अरे वहां छुपकर क्या खड़ी हो, सामने आओ। आप ऐसे ही खड़ी रहेंगे तो बैठे। आप खड़ी रहेंगे? डरिए नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, तुमने इतने जोर से मार दिया, किया क्या मैंने? तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो बाहर ही कह देती। ये देखो इतनी जोर से मारा, मैंने पहले ही कहा था उसे मुझे नहीं जाना ऐसी जगह, चला आया और मिल गया। मैं इसी लायक। मैं डर गई थी, मैं डर गई थी ना, इसीलिए।
मैं डर गई थी, मैं डर गई थी ना, इसीलिए। लेकिन आप हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए। लेकिन नर्सिंग होम से आखिर गए गई कहाँ? अजी साहब, अगर हमें ये मालूम होता तो हम उसे लेकर नहीं आते। इतना समझ में आता है कि नर्सिंग होम का दरवाजा खुला था और वो कहीं चली गई। आसपास के सारे मोहल्ले में हम पता लगवा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो तलाशी भी ले लेंगे। मैं बैठ सकता हूँ? कोई गिलास व्लास तो नहीं ढूंढ रहे हो मारने के लिए? मैंने तो बहुत धीरे से मारा था। अच्छा, तो ये धीरे था, जाने जोर से क्या होता, मेरी तो खोपड़ी फट जाती। दर्द होता है? आपका शुभ नाम? तुम्हारा नाम क्या है? नेहा लता। क्या लता? नेहा लता। लेकिन वो तो रेशमी बुलाते हैं। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम जी के मल्होत्रा। माँ का नाम? माँ का नाम राजू। राजू? ये तो मर्द का नाम है। बाबा ऐसे ही बुलाते हैं। राजू मतलब रजनी, राजेश्वरी। अरे अरे, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ मिलेंगी? मुझे नहीं पता, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास। तुम यहाँ कैसे आए? मैं डॉक्टर के घर में रहती थी। ये कहा मैंने कहा वो मुझे माँ के पास ले जाएगा। मैंने कहा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगता है। कितने मोटे मोटे आदमी आते हैं। दो दिन से मुझे खाना भी नहीं दिया। मुझे बहुत भूख लगी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मैं कहीं भाग जाऊंगी। मुझे माँ के पास जाना है। मुझे
मैं रेशमी को बाहर ले जाना चाहता हूँ। रेशमी बाहर? नहीं नहीं छोटी मिया, वो बड़ी अड़ियल लड़की है। कोई बात नहीं, मैं सुबह तक ले आऊंगा उसे। मेरी मानो छोटे मियाँ, उसके दिमाग में खलल है, मुझे तो खिसकी हुई लगती है। और जहाँ भी तुम उसको लेके जा रहे हो वहाँ कुछ उसने गड़बड़ कर दी तो फिर पुलिस रेट अरेस्ट, बदनामी तो मेरी होगी ना। आखिर हमारी भी तो कुछ इज्जत आबरू है। मैं तो उससे भी अच्छी आपको कुछ नहीं होगा। मानोगे नहीं छोटे मियाँ, जो मुंह लग गई सो लग गई। शुक्र है फर्स्ट क्लास का टिकट मिल गया, वरना इस लड़की के साथ दूसरी जगह सफर करता ना तो जान निकल जाती तेरी। वो देख कैसे पांव रख के बैठी। सुमो मुझे गलत मत समझना, लेकिन जो कुछ भी तू कर रहा है ना ठीक नहीं लग रहा। अभी भी वक्त है, सोच ले। जी पैसे पैसे दे दो यार। पैसा मलवा सब ठीक है ना? अरे मास्टर जी कहाँ है आप? बस अभी आ रहा हूँ।
ये तो पेड़ है, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस बस 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 रहने दो, इतनी मेहनत मत करो, सिर्फ नीलगिरी कह दो, ये नीलगिरी के पेड़ है। लड़की का आगा पीछा कुछ भी नहीं मालूम, कौन है तू जानता भी नहीं है, ऊपर से कहता है उसका दिमाग ठिकाने नहीं, फिर भी उसे यहाँ उठा कर लाया। अरे उसके घर के बारे में कुछ पता भी तो हो। क्या कहूँ नानी, ऐसी जगह मिली जहां उसे नहीं होना चाहिए था, यतीमों की तरह पड़ी थी, वहां उसे छोड़ आने को जी नहीं चाहा। तो क्या उसे यहीं रखेगा अपने पास? उसमें क्या हर्ज है नानी, मैं भी तो अकेला ही हूं, आगे पीछे कोई नहीं। लेकिन बेटा लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाएं लोग, बुरे भले में क्या लोग आके देखते हैं मुझे, लोग चिंता करते हैं मेरी या यतीम समझ के मेरे लिए रिश्ता ढूंढ के लाएंगे। और तुम भी कितने दिन मेरा ख्याल रखोगी ये सोच के कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं। पता नहीं नानी, देखते ही मुझे बड़ी अच्छी लगी। सर मेम साहब ने आपको बुलाया है। ठीक है, कह दो स्कूल के बाद मिलूंगा।
घर भर लिया हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ला 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 तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी ऐ जिंदगी लगा ले है जिंदगी गले लगा ले हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना है जिंदगी गले लगा ले है जिंदगी सीधे घर जाओ मैं शाम को आऊंगा ठीक है क्या मैंने कहा ओके बाय 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 कभी नहीं लेके जाता कोई बात नहीं हरिप्रसाद हम दोनों खेलेंगे घर पे सुनो तुम स्कूल नहीं गई अच्छा तुम्हारा नाम क्या है नहीं है लगता हाँ तो
साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बच्चा बूढ़ा और जवान, हिंदू हो या मुसलमान, सबको करते हैं रामू और उसका भाई शामू सलाम। रामू सलाम करो। शाबाश बच्चा, लोग ताली बजाओ। अब देखिए रामू का जिंदा नाच। नाच रामू नाच फटाफट, नाच रामू नाच फटाफट, पैसे मिलेंगे खटा खट। नाच अनाच 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 डिस्को डांस फटाफट। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए, हाँ बाप बन जाए। शाबाश रामू, सब लोग ताली बजाओ। शाबाश, पलटी मार फटाफट, पलटी मार फटाफट, पलटी मार फटाफट, पलटी मार फटाफट, शाबाश। बस बेटे बस। रामू तुम्हारा बाप पानी मांग रहा है, लेके जाओ लेके जाओ। नहीं जाता, कमाल है, क्या हो गया इसको? रामू तेरी माँ पानी मांग रही है, लेके जाओ लेके जाओ। अरे नहीं जाता, बड़ा बदमाश है साला, अब क्या करूं। ओहो रामू तेरी बीवी पानी मांग रही है, लेके अरे देखो 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 देखो, चोरू का गुलाम। तुम हिला। क्या रे हरि प्रसाद, कितना खूबसूरत रिबन बांधा है और तू देखते भी नहीं। दिन भर सोता रहता है साला। हरि प्रसाद तुझे बिंदी लगा दूं? अच्छा ठहरो। क्या रे? मुझे थोड़े से इंक चाहिए। क्या चाहिए? इंक? इंक क्यों रे? हरि प्रसाद के बिंदी लगाने के लिए। हरि प्रसाद को बिंदी? हाँ। अच्छा, इंक ऊपर पड़ी है, चढ़ के उतारने पड़ेगी। तो उतार दो ना। अभी नहीं, बाद में, तुम जाके खेलो तुम्हारे हरि प्रसाद के साथ। मैं ही उतार लूंगी सोमू। मैं कहा ना, बाद में उतार दूंगा, जाओ खेलो।
हाय राम। अरे बाप रे, स्कूल रिकॉर्ड सब। मैंने कहा था ना बाद में उतार दूंगा, ऐसे क्या जल्दी थी, बंदरों की तरह कूद पड़ी। बाप रे, स्कूल रिकॉर्ड क्या किया, जानते हैं कल इंस्पेक्शन है। जैसे दुनिया ही डूब जाएगी अगर बिंदी ने लगाई, तुम कुमार रह जाएगा तेरे हरिप्रसाद। अरे अरे ये क्या, नानी क्या हुआ है? देखो नानी, ये सोमू मुझे हर वक्त डांटता रहता है। क्यों सोमू, क्यों बेचारी बच्चे को डांटता रहता है? बच्ची ये देखो क्या किया तुम्हारी बच्ची ने, गधी की तरह बढ़ गई है लेकिन सर में भूसा भरा हुआ है। ऐसा नहीं कहते हैं सोमू, इस बेचारी को क्या पता है। तूने क्या किया है मुन्ने, हमारे हरिप्रसाद, उसे बिंदी लगाने के लिए मैंने मांगी थी, कितने से मांगी थी नानी, और ये कहने लगा भागा। मैंने सोचा मैं खुद ही ले लेती हूँ, वो पर चढ़ी तो वो धार से गिर पड़ा, मैं क्या करती। अरे तू ही दे दिया होता सोमू। नहीं तुम चुप रहो नानी, तुम्हें लार कर करके बिगाड़ दिया इसे। देखो नानी, तुम्हें भी डांटता है। तुम उधर मत देखो, वही कर रहा है। चुप, मैंने धार के थोड़ी किया था, ऊपर चढ़ी वो गिर पड़ा, मैं क्या करती। लो खलास, खेल खलास। क्या हुआ सोमू? कुछ नहीं, खाना बन गया। ताड़ की तरह लंबी लड़की है घर में, साला सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। माफ कीजिए, आप ताड़ नहीं, चने का पौधा है। पौधा देखो ना, रो नहीं बेटी, रो नहीं, खाना है ना तो खा लेना हमारे साथ। हाँ मेरा पर्स कहाँ है? बटुआ कहाँ रखा है बेटी? मुझे नहीं पता नानी, मैंने तो देखा भी नहीं। मैं पूछता हूँ मेरा पर्स कहाँ है? मुझे नहीं पता। तो पता क्या है तुझे? तूने नहीं रखा तो और किसने रखा? कोई पर तो नहीं लग गई बटुए को जो उड़ गया होगा। देखो नानी, हर वक्त इसी तरह मेरे चार काट रहे थे। अच्छा चुप हो जा। नानी मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? झक मारने। ए, और तोड़ फोड़ मत करना, चुपचाप बैठी रहना। ए, फिर कभी बात मत करना मुझसे। कंटी। इतना गुच्छा I love you, I love you, that's all I want to do.
क्या है? बड़ा बैग वैग ले रखा है? संडे शॉपिंग? नहीं, यूं ही ब्रेड लेने गया था। ब्रेड? क्यों? खाना नहीं पकाया आज? जी, घर में कुछ काम था इसलिए वक्त नहीं मिला। तो ऐसा करो, मेरे साथ चलो। जी? खाने के लिए? जी, वो क्या है कि मैं अभी देखो सो, हम लोग अछूत नहीं हैं। हमारे यहाँ खाने से कुछ नहीं होगा तुमको। अरे क्या बात कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आऊंगा फिर कभी। कब? आई विल कम, आऊंगा। कब? अगले अगले सैटरडे। अगले सैटरडे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नासिर, ये क्या पुराने अखबारों का ढेर लगा रखा है? ये तो रदी में देने के लिए निकाले हैं। ओ, मिस्टर मल्होत्रा? जी हाँ, मैं ही हूँ। जी, आपकी बेटी। प्लीज कम अंदर आइए। हेलो, क्या मैं इंस्पेक्टर डेविड से बात कर सकता हूँ? डेविड स्पीकिंग। इंस्पेक्टर, मैं जीके मल्होत्रा बोल रहा हूँ। एक साहब बैठे हैं मेरे पास, कहते हैं उन्होंने मेरे बेटी को वीटी स्टेशन से गाड़ी में जाते हुए देखा है। अच्छा, आप ऐसा कीजिए, आप उन्हें फौरन यहां ले आइए, मैं आपका इंतजार करता हूं। ओके। हरि प्रसाद, यहाँ क्या कर रहे हो? ए, ए, ये क्या लड़कियों की तरह रिबन रिबन पहन रखा है? रेशमी, 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 खाना खाना है कि नहीं? मुझे पता, रानी माँ, रेशमि कहाँ है? वही तो थी घर पर। वहां तो नहीं है। तो आसपास कहीं खेल रही होगी। जी, क्या रेशमि इधर आई थी? नहीं तो। मिल गई? कहाँ गई होगी? पता नहीं, ऊपर से बारिश भी हो रही है। क्या जरूरत थी उसे डांटने की? कितना रोई थी बेचारी। कहाँ जा सकती है? अरे जाएगी कहाँ, कहीं रूठ के बैठी होगी। रश्मि,
मुझे बहुत भूख लगी है। खाना वाला कुछ है तुम्हारे पास? लाया हूँ ब्रेड मुझे पसंद है। चावल है ना? चावल इतने से चलेगा बस? ठीक है, चावल अभी बना दूंगा, लेकिन सब्जी वब्जी सब जल गई ना, वो अच्छा रहा है, चल से खाई। आप कटे नहीं and broke his crown. Crown? And Jill came tumbling. मैं कैसे खाऊं? मेरे तो हाथ ही नहीं है। ये क्या है? ये तो अंदर है ना। तो बताओ क्या करना है? तुम्हें खिलाना पड़ेगा। खिलाओ ना सुमो। चल हट। जैक एंड जिल went top the hill to fetch a pail of water. Jack Frost. Jack fell down and broke his crown. Jack and Jill. ओए, खाना मुंह में हो तो नहीं बोलते। ये क्या खुद खाओगे? हाथ धो लिए? नहीं गिराओ मत। नहीं नहीं तुम खाओ, मैं बाद में खाऊं। नहीं मुंह को खिला था क्या? मुंह से वो डूबेंगे क्या? खाना मुंह में हो तो नहीं बोलते। अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, बिंदिया की उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू ओ रारी रूं, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। कुछ पहचाना सा हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे, बिंदिया के उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे, रारी रारू ओ रारी रू
पर जाने वाले नींद करस बरसाने वाले इतना कर दे कि मेरी आंखें भर दे आंखों में बसता रहे सपना ये हंसता रहे सुरमई अखियों में ननम नईक सपना दे जा रे निंदिया के उड़ते पाखिरे अखियों में आ जा साथी रे रारी रारू ओ रारी रूं रारी रारू ओ रारी रूं रारी रारू भुवन तू घर जा मैं बाद में आता हूँ रिपोर्ट मास्टर जी चले गए क्या नाम है इसका हरि प्रसाद क्या बोला हरि प्रसाद बहुत अच्छा नाम है थैंक यू अच्छा इसे पट्टा क्यों नहीं डाला पट्टा पट्टा पट्टे की क्या जरूरत है ये तो मुझे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगा अरे बाबा पट्टा इसलिए थोड़ा ही डाला जाता है पट्टा डालने से कुत्ता पालतू हो जाता है नहीं तो वो फालतू हो जाता है फालतू फालतू क्या होता है फालतू मतलब वो जो गली के कुत्ते होता है ना जिन्हें कमेटी वाले गोली मार देते हैं अच्छा मेरा भी एक कुत्ता था मैंने उसको पट्टा नहीं डाला था ना तो एक कमेटी वाले ने उसको गोली मार दी सच्ची हाँ वो देखो वो उसकी कब्र बनी हुई है वहाँ वो पट्टा कहाँ मिलेगा पट्टा मेरे पास एक है चाहिए चलो बैठो ना पट्टा देता हूं ये तुम्हें कहां से मिला
हमारा घर है ना, उसके सामने घूम रहा था। अच्छा, मुझे पट्टा चाहिए। ओ पट्टा, रुको। हरिप्रसाद रुक बचेरा, हरिप्रसाद प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई भूल गई। गई थी क्या हुआ तुझे? हाँ बलवा है ना, बलवा उसने कहा हरिप्रसाद के लिए पट्टा देगा। पट्टा हरिप्रसाद के लिए? हाँ, गली में डालने के लिए। वो मुझे बहुत बदले में ले गया। Yeah.
तेरा वो हरिप्रसाद को यहीं पर हरिप्रसाद चुप चिल्ला मत हरिप्रसाद इधर तो नहीं होगा वहां कैसे हो सकता है आओ समझ समझ इधर क्या हंसती है इस बेचारे पर? और क्या देखो उसे रंग की हांडी में गिरी हुई उस लोमड़ी की तरह लग रहा है कौन सी लोमड़ी है एक लोमड़ी जो कहानी में आती है कौन सी कहानी फिर बताऊंगा कभी चलो नहीं अभी नहीं देखो उसे कैसे भीगा हुआ जल्दी से सुखाए नहीं तो जुकाम हो जाएगा तेरे हरिप्रसाद को हाँ चलो 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 CAMEL है ना हाँ वो कमल नहीं कैमल कैमल क्या क्या मेल मेल कैमल मतलब ऊंट ऊंट मतलब ऊंट मतलब कैमल नहीं ये वो है लंबी लंबी गर्दन और घोड़े की तरह दौड़ता है अरे रेगिस्तान में अरब लोग सवारी करते हैं ना वही लंबे लंबे पैर ऊंट रेशमी हुँ? मैंने एक पैकेट दिया था ना शाम को पैकेट कागज का पैकेट कब दिया था कब क्या बात कर रहे हैं मैंने दिया था ना वाह हाँ वही कहाँ वो अरे जब मैं नानी को बुलाने आई थी ना तो खिड़की से अंदर डाल दिया था खिड़की कौन सी खिड़की चल क्या उठ क्या भाग अरे पहन क्या मैं? नहीं तो क्या मैं पहनूंगा मुझे साड़ी पहनना आता ही नहीं अच्छा क्या बात है ढिंडोरा पिटाओ भाई वाह क्या नमूना पाया है क्या किसने साड़ी पहनना कौन सी बड़ी बात है ये देखो कोना का आ, मिल गया पहले ये पेटीकोट के अंदर यूं डाल दिया और घूमो एक बार दो बार हो गया और ये ऐसे पकड़ के ऊपर कंधे पे यूं डालो अरे ठहर जा चुनट वगैरह बनाना नहीं वो उलट पलट वाला
वही ऐसे 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 और ये अरे वाह साड़ी न न न न बात बन जाए जाओ यानी अंदर घूम जाओ की कहानी है वो सुननी है कि नहीं तो ये दिया बंद कर ये तो ही
एक मिनट ठहर। कहानी है ना? हाँ, क्यों? तो कसरत क्यों करते हो? गीदड़ की कहानी। कौन सी कहानी? लोमड़ी गीदड़ की कहानी। सुनाओ ना। एक दफा एक जंगल था उस जंगल में एक गिदड़ था, बड़ा लोफर, बड़ा लीचड़, आवारा। अच्छा? जंगल पार एक बस्ती थी, उस बस्ती में वो जाता था रोजाना रोजाना। एक दफा एक जंगल था, उस जंगल में एक गिदड़ था, बड़ा लोफर, बड़ा लीचड़, आवारा। उस बस्ती के कुत्तों ने उसको देख लिया। इस मोड़ से उसको दौड़ाया, उस मोड़ पे जाके घेर लिया। जब कुछ न सूझा, गिदड़ को दीवार के ऊपर से कूदा। कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं बालिका। अच्छा, कहानी कहां तक पहुंची? सोम गिर पड़ा। सोम नहीं, कीदड़। ए, ए, क्या कर लिया तूने? ओ देख, बाल सब उलझ गए। मेरी बंदरिया। उस पार किसी का आंगन था, आंगन में नील की हांडी थी, हांडी थी वो नीली थी। क्या थी? नीली थी। उस नील में यूं गिरा गीदड़, सब हो गया कीचड़ ही कीचड़, अरे कीचड़, सब कीचड़, कीचड़, सब कीचड़। कुत्ते जब भौंक के भाग गए, गीदड़ जी हांडी से निकले। हाँ। और धूप चढ़े जंगल पहुंचे, ऊपर से नीचे तक नीले। अच्छा? हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे। ये कौन है, कैसा जानवर है? मुझे पता है। क्या पता है? गीदड़। चुप बुद्धू। कहां से आ गए? हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे। ये कौन है, कैसा जानवर है? दिखने में नीला दिखता है, अंदर से लाल बुझक्कड़ है। गीदड़ ने भी चालाकी की। क्या किया? मोटी आवाज में गुर्राया, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ अब जंगल का, मुझको भगवान ने भिजवाया। संभाल के। शेर की धुंबी हिलने लगी और मुंह से बस निकला, हेलो। बंदर का मुंह लाल होता है ना? हाँ। डर के मारे निकला, येलो। जितने थे जंगल में वो सब गीदड़ का पानी भरने लगे। क्यों? समझे कोई अवतार है वो, और उसकी सेवा करने लगे। जाम फना आलम फना उमराव जानो दीदार या तशरीफ ला रहे हैं। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ उस जंगल में। डरती क्यों हो? तुम शोर क्यों कर रहे हो? मैं शोर नहीं करूंगा, मैं तो बिजली हूँ, बिजली। बिजली?
तुम तो गीदड़ थे ना? गीदड़? अच्छा मैं तो सब कुछ हूँ। अच्छा मत फोन करो। बस बस बोलो। सावन के महीने में एक दिन कुछ गीदड़ मिलकर गाने लगे। नीले गीदड़ को जोश आया, बिरादरी पर इतराने लगे और झूम के जब आलाप लिया। खूब पिटाई की, सब रंग उतर गए राजा के और सबने खूब दुलाई की। ले दनादन ले दनादन ले दनादन बोल 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 ले दनादन ले दनादन ले दनादन। Thank you.
कितनी बार कहा है तरह कूदा मत करो ऊपर बंदर की तरह। आओ सामने ऐसी हरकतें करोगी तो लोग क्या समझेंगे, समझेंगे पेजे में भूसा भरा है ना। आओ चलो। अरे मैम साहब नाराज हैं? और हंसेंगे भी नहीं थोड़ा सा? नहीं। अरे अरे अरे, 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 अरे रमत ची 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 थाड़ की तरह इतनी बड़ी हो गई है और तू नहीं, ये अपना पेड़ ये अच्छा एक मिनट एक मिनट। जेठी कहती है बगल के गांव में एक बैद्य रहते हैं, रेशमी जैसे मरीजों को ठीक कर देते हैं, लोग कहते हैं बड़े साधु आदमी हैं। एक बार रेशमी को ले चले वहाँ। क्या ऐसी बीमारी है जो जड़ी बूटियों से ठीक हो जाए? वहाँ शफा है उनके हाथों में, बड़े बड़े BAMA भी यही कहते हैं, एक बार ले जाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अगर जन्म से ही ऐसी है तो मुझे आशा नहीं कि मैं कुछ कर सकूंगा, परंतु किसी और कारण से अगर याद चली गई है या बचपन में चोट लग जाने से बुद्धि की बढ़ोतरी नहीं हो तो अवश्य ठीक हो जाएगी। मेरे हाथ में कुछ नहीं है बेटा, सब ऊपर वाले की दया से होता है। उसकी इच्छा हुई तो होश में आते आते बिटिया बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। भोर समय उसे नहला के और पूजा करवा के ले आओ। नमस्ते। पी लो बेटी, थोड़ा सा पी लो, बस पियो पी लो। Thank you.
धीरज रखिए, भगवान की दया से सब अच्छा ही होगा। आप लोग अब जाइए, शाम को 4 बजे आ जाइए। ठीक। नानी, नानी माँ। नानी माँ आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? आप जाइए ना, मैं आता हूँ। सोमू, मैं तुझे सारा शहर ढूंढाई और तू यहाँ बैठा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? तुझे ढूंढने के लिए पुलिस आई है। कब? दोपहर में, तभी से मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। अरे हाँ, साथ में रेशमी के माँ बाप भी हैं। अब कहाँ वो लोग? बैठती के घर में। पुलिस भी? हाँ बेटा। आपका शुक्रिया अदा करूं? भगवान को धन्यवाद दीजिए जिसने आपकी बेटी को अच्छा किया, और अगर किसी इंसान को धन्यवाद देना है तो उस लड़के को दीजिए जो बड़े प्यार से आपकी बेटी को यहाँ लेके आया था। वो तो मिला ही नहीं भाई जी, उसे बहुत खोजा। आपकी लड़की तो मिल गई, लेकिन हमारा लड़का नहीं मिला। लड़का?
वही जो आपकी लड़की को ले गया था। सर अब वो सब क्यों करना चाहते हैं आप? वैद्य जी कह रहे थे वो स्कूल मास्टर है, जरूर कोई भला आदमी होगा, उसे छोड़ दीजिए। शायद भगवान की यही मर्जी थी, वही हमारे बेटे का इलाज कराए। अब इस कोर्ट कचहरी से क्या मिलना है? तो क्या आप अपनी कंप्लेंट वापस लेना चाहते हैं? हाँ वही समझ लीजिए, अगर झमेला निपटता है तो। ठीक है, फिर आपको पुलिस स्टेशन आके कुछ पेपर साइन करने पड़ेंगे। चलिए। बिल्कुल अच्छी हो गई बेटा। अब आए हो बेटा, भगवान की दया से बिटिया अच्छी हो गई। लेकिन ये तो बताओ वो लड़की कौन थी, तुम्हारे पास कैसे आई? पुलिस भी साथ थी उन लोगों के? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए वो लोग गए कहाँ? कह रहे थे शहर जाएंगे। हाँ 4 बजे की गाड़ी से बंबई जाने वाले हैं। जानते हो हम भेज रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, हमने वोट देकर
रश्मि 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 मैं हूँ रश्मि रारी रारू ओ रारी रू